गोला में हुए उपचुनाव पर अब सियासत गर्म होती जा रही है। चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव को सबूत जुटाने के लिए कहा था और अखिलेश ने गोला में जो कुछ भी हुआ उस पर एक के बाद एक ट्वीट करके कहीं ना कहीं वो सबूत जुटा लिए और ये साबित करने की पूरी कोशिश की कि देखिए ये हो रहा है गोला उपचुनाव के दौरान, यानी कि कितनी गलती है शासन और प्रशासन की। अगर चुनाव ही ढंग से नहीं होंगे तो नतीजे क्या खाक सही आएंगे। अखिलेश के इस बेहतर कदम के बाद क्या वाकई एक्शन में आएगी सरकार और साथ साथ शासन प्रशासन? क्या चुनाव आयोग देगा इस पर जवाब अब, या फिर अखिलेश की ये कार्यवाही यूं ही सूखी रह जाएगी? इसी के साथ अब चुनाव का रिजल्ट 6 तारीख को ये बताएगा कि किस ओर जाएगी अब उत्तर प्रदेश की सत्ता।